नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विजार्ड इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं AK-203 के बारे में, जो कि भारत और रूस द्वारा मिल करके अमेठी में ही बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आखिरकार क्यों AK-203 को मुख्य तौर पर वरीयता दी जा रही है और भारत के जितने भी पुराने राइफल्स हैं उनको चेंज करके अब सेना के लिए 203 राइफल को बनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो बिना वक्त का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं AK-203 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में 2+2 की वार्ता के तहत आए हुए थे और हाल में भारत ने रूस से S-400 के साथ कई सारे समझौते किए हैं। और दोस्तों, हथियारों में AK-203 को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि कुछ जनरल भी बताते हैं कि इंसास राइफल को रिप्लेस करने की कोशिश पिछले 15 सालों से की जा रही थी और इसकी वजह यह है कि असाल्ट राइफल जो भारत में बनाई गई है वो इतनी बढ़िया नहीं है। AK-47 और इसके उन्नत संस्करण जैसे कि AK-203 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी और इनमें कई सारी कमियां थी, जैसे कि प्लास्टिक का हत्था, ग्रीस की लीकेज, गोली का फंसना समेत कई तरह की कमियां थी और इन्हीं वजहों से सेना और दूसरे सुरक्षा बलों को इससे समस्या होती थी। यही वजह है कि इनको रिप्लेस करने की मांग की गई थी और उसके बाद लगभग 5,000 करोड़ रुपए के 203 को बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका निर्माण अमेठी में किया जाना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आइए कुछ AK-203 असाल्ट की हम लोग 5 खूबियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, AK-203 एक असाल्ट राइफल है और भारतीय सेना इस वक्त फिलहाल काफ़ी संख्या में इंसास राइफल की इस्तेमाल कर रही है और आने वाले समय में इसी AK-203 से इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ 5 मुख्य पॉइंट्स से, ताकि आप लोग क्लियर हो सके इंसास और असाल्ट राइफल के बीच में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, इंसास राइफल इनबिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जा सकता है ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सकता है। इस मामले में असाल्ट राइफल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट है और इसके अलावा पिकेटिनी रेल लगी है, यानी आप दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन को इस बंदूक पर लगा करके इसको और ज़्यादा घातक बना सकते हैं, यानी कि जितनी ताकतवर दूरबीन होगी उतना ही घातक आप हमला कर सकते हैं। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, इंसास से 20 से 30 राउंड की मैगजीन लगती है, जबकि असाल्ट में 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। इंसास की मजल वेलोसिटी 915 मीटर प्रति सेकंड है, मगर असाल्ट की मजल वेलोसिटी 715 मीटर प्रति सेकंड है। असाल्ट गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बेल्ट तकनीक पर काम करती है और यही तकनीक इंसास में भी लगी होती है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसास राइफल सिंगल शॉट और 3 राउंड का बर्स्ट फायर कर सकता है, जबकि असाल्ट सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड में चलाई जा सकती है। AK-203 एक मिनट में 650 बुलेट को धाक सकती है और यही इसको काफ़ी घातक बना देती है। और ख़ास बात इसकी यह है कि इसकी सभी निशाने एकदम सटीक पर लगती है। बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, राइफल इंसास अन्य राइफल की तुलना में छोटी और हल्की है, इसकी मारक क्षमता बेहद घातक। असाल्ट की तुलना इंसास राइफल बिना मैगजीन और बोयनोट के भी 4.15 किलोग्राम का वजन के, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है, यानी लगभग 1 किलोग्राम का फर्क आता है। इंसास राइफल की औसत लंबाई 660 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 का जो लंबाई है वो लगभग 705 मिलीमीटर है। वजन और लंबाई कम होने के कारण यह युद्ध में के समय जो सैनिक होते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। इससे भारतीय सैनिक को कम थकान लगेगी और सैनिक इस बंदूक को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी लंबाई कम होने की वजह से इसकी हैंडलिंग भी आसान हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट के बारे में। तो इस राइफल को AK-200 सीरीज में रखा जाता है। वर्ष 2013 में AK-203 में कुछ बदलाव करके इसको AK-103.3 नाम दिया गया। वर्ष 2019 में AK-300 और AK-100M राइफल का नाम दिया गया। वर्ष 2019 में इसको AK-203 नाम दे दिया गया है। दोस्तों, ये तो हो गए 5 पॉइंट। अब सवाल उठता है, आखिर भारतीय सेना को रूसी राइफल की आखिर क्यों ज़रूरत है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारत इन राइफल का निर्माण करना चाहता है।
तो दोस्तों जवाब है कि AK सीरीज की अत्याधुनिक और खतरनाक राइफल है। यह राइफल भारतीय सेना द्वारा कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही राइफल्स की जगह लेगी। इस राइफल को भारत और रूस संयुक्त रूप से निर्मित करेंगे और भारतीय सेना को लगभग 7.5 लाख AK-203 राइफल की आवश्यकता है। भारत और रूस के बीच राइफल को लेकर जो सौदा हुआ है उसके तहत लगभग 70,000 से 1 लाख तक की जो राइफल होगी वो रूस से मंगाई जाएंगी। बाकी 6.5 लाख जो राइफल्स है AK-203 उसको उत्तर प्रदेश के जिले में जो कि अमेठी में बनाए जाने की प्लानिंग हो चुकी है। इस राइफल का पहला प्रोटोटाइप साल 2007 में आया था जो कि AK-200 के नाम से आया था। इस राइफल को AK-200 सीरीज में रखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी AK-203 सीरीज के बारे में जो कि भारत में निर्माण किया जाना है। तो दोस्तों वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अभी आप लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए